लेकिन आजमगढ़ चलने का समय है, वहां के मतदान का हाल जानने का वक्त है। शैलेश अरोड़ा ये सब दिखाने और बताने जा रहे हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ में कितना उत्साह है, आजमगढ़ में आप कहाँ हैं शैलेश और मुद्दे क्या हैं? बिल्कुल राजीव, देखिए इस समय आजमगढ़ के जिस बूथ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर अभी अभी जो डीएम है अमृत त्रिपाठी और जो ये जिले के कप्तान हैं अनुराग रेरा, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल है, आदर्श पोलिंग बूथ है। नज़ारा आप देख सकते हैं, जो डीएम है अमृत त्रिपाठी वो इस समय पोलिंग रूम के अंदर हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और बहरहाल जो कप्तान साहब हैं बाहर हैं, उनसे भी बात करते हैं, चल के सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बाकी चीज़ों पर भी उनसे जानकारी लेंगे। और पोलिंग बूथ जो है, जिस तरह का जो नज़ारा आपने देखा, काफ़ी उत्साह सुबह से ही लोगों में देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा सजाया गया, आकर्षक बनाया गया इसको कि लोग आकर्षित हो। मकसद एक है, लोग आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पहले तो यहाँ पर अनुराग आर्या जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, कप्तान हैं। सर, किस तरह की तैयारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? आज मतदान सुबह 7 बजे से सभी पोलिंग बूथ्स पर चालू हो गया है। पुलिस का जो व्यवस्थापन है, पूरे जनपद में लगभग 35,000 का पुलिस बल लगा हुआ है, अलग अलग बलों के सुरक्षाकर्मी, और कहीं भी अभी तक कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। सभी पुलिस बलों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि अगर कोई शांतिपूर्ण मतदान में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करता है, ठीक है, बहुत कठोरता के साथ उसके साथ पेश आएंगे और विधिक कार्रवाई करेंगे। अभी तक कहीं कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हमारा प्रयास ये है कि जो वोट डालना चाहते हैं व्यक्ति, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहजता के साथ आएं और वोट, ठीक है। आपने पुलिस अधिकारी की बात दिखाई हमारे दर्शकों को शैलेश, और इनकी तमन्ना है बल्कि सारे चुनाव आयोग की और सभी गंभीर लोगों की ये इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे, मतदान करें।